नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। ये खबर है बदलापुर जौनपुर से। प्रत्येक माह की तरह संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार बदलापुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नव निर्वाचित जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी ने किया। फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी तथा जिले के पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर जी मौजूद रहे। फरियादियों में एक अलग सा उत्साह दिखने को मिला कि नव निर्वाचित जिलाधिकारी आए हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोविड-19 का पालन करते हुए फरियादियों को कतार में लगाकर उचित दूरी बनाकर एक एक लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जी ने सुना तथा उनका निस्तारण किया। जिलाधिकारी जी ने बताया कि जो भी फरियादी आए थे, हमने कुछ लोगों की समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया, बाकी बचे मामलों को हमने संबंधित अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के लिए आदेशित किया। उन्होंने सभागार में उपस्थित अधिकारियों से बातचीत करते हुए बताया कि हमने अभी पदभार ग्रहण किया है। हमारा यही उद्देश्य होगा कि किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, संविधान द्वारा बनाए गए नियमों का शक्ति के साथ पालन किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोतवाली बदलापुर के प्रभारी निरीक्षक विश्व कुमार मिश्रा जी अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। समस्त फरियादियों की फरियाद को सुनने के लिए जौनपुर जिले के नव नियुक्त जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी और पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर जी यहां पर उपस्थित रहे। आइए हम जानते हैं इस समाधान दिवस पर क्या प्रक्रिया। आज संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी शिकायतें प्राप्त हुई है। मुख्य शिकायतें उम्मीदवार से संबंधित थे, जिसमें की शिकायतें, इसके अलावा बिजली शिकायतें प्राप्त हुई, विकास ग्राम विकास प्राप्त शिकायतें प्राप्त हुई और अन्य विभागों की शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण करते हैं। इसके अलावा जिसमें अतिथि परीक्षण और समस्या का निस्तारण करना था, उसके लिए टीमों का गठन किया गया। जहाँ जहाँ पे राजस्व को पुलिस का सुविधा थी, वहाँ पे सत्ता साहब ने पुलिस को भी निर्देशित किया और सबसे जाएगी। हम लोग का उद्देश्य है कि पहले तहसील परिसर के अधिवक्ताओं ने संघ के अध्यक्ष हरिलाल पाल के साथ अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। संपूर्ण समाधान अवसर पर प्रत्येक विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, तहसील के अधिवक्तागण, वन विभाग, पुलिस विभाग, जल निगम, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, पशु विभाग, नगर पंचायत, कृषि विभाग आदि सभी विभाग के अधिकारी वहां पर उपस्थित रहकर जिलाधिकारी के आदेशों का पालन किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी कौशलेश मिश्रा, तहसीलदार अजय पांडे, क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर खंड, शिक्षा अधिकारी नरेंद्र देव मिश्रा आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।